listeners. दोस्तों एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी लेकर जिसका नाम है ड्यूटी और संतुष्टि, जिसे लिखा है डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा ने। इस कहानी में ड्यूटी और उससे मिलने वाली संतुष्टि को केंद्र बिंदु में दिखाया गया है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं कहानी ड्यूटी और संतुष्टि। रमेश कुमार बचपन से ही प्रतिभाशाली थे। वो बड़े होकर सेना या पुलिस विभाग में उच्च अधिकारी बन देश की सेवा करना चाहते थे। इसके लिए वो ताबड़तोड़ मेहनत भी कर रहे थे। पर कहते हैं ना कि समय से पहले और भाग्य से अधिक न कभी किसी को मिला है न मिल सकता है। रमेश कुमार के साथ भी ऐसा ही हुआ। वर्तमान गलाकाट प्रतिस्पर्धा और विभिन्न प्रकार के आरक्षण के कारण सामान्य वर्ग के प्रतिभाशाली नवयुवक रमेश कुमार को नौकरी के लिए निर्धारित उच्चतम सीमा के करीब पहुंचते तक मामूली सिपाही का पद ही हासिल हो सका। व्यवहार में भले ही वो एक सिपाही थे, परंतु कामकाज के मामले में सभी उच्च अधिकारी उस पर आंख मूंद कर विश्वास करते थे। जिस थाने में उनकी पोस्टिंग होती, थानेदार उसकी प्रतिभा के कायल हो जाते। उसे हर छोटे बड़े काम में जरूर शामिल किया जाता। गांव से दूर रामपुर शहर में उसकी पोस्टिंग थी। अभी शादी भी नहीं हुई थी। माता पिता शहर में रहना पसंद नहीं करते थे। यही कारण है कि वो शहर में किराए के मकान में रहते हुए रामपुर थाने में ड्यूटी करते थे। नाश्ता, खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा आदि का काम वो खुद ही किया करते थे। यही कारण है कि अक्सर सुबह ऑफिस पहुंचने में उन्हें 5 से 7 मिनट की देरी हो जाती थी। परंतु सरकारी दफ्तरों में 5 से 7 मिनट की देरी कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती। ऊपर से रमेश कुमार जैसे प्रतिभाशाली सिपाही के लिए तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक दिन रमेश कुमार अपनी सेकंड हैंड मोटरसाइकिल से थाने आ रहे थे। रास्ते में एक जगह भीड़ देखकर उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल साइड में खड़ी कर दी। भीड़ को चीरते हुए अंदर जाकर देखा कि एक 9 से 10 साल के बच्चे को कोई 4-पहिया वाहन चालक टक्कर मारकर भाग गया है। बच्चे को काफी चोटें आई। वहां मौजूद भीड़ बस कानाफूसी कर रहे थे। वहां कोई भी व्यक्ति उस बच्चे को पहचानता नहीं था, ना ही उसकी मदद की बात कर रहा था। पुलिस की वर्दी में रमेश कुमार को देखकर भीड़ छटने लगी। रमेश ने अगल बगल देखा। कई दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। वो आश्वस्त हो गए कि बच्चे को ठोकर मारने वाले वाहन का पता लगाना मुश्किल नहीं होगा। उसने बिना समय गवाए घायल बच्चे को अपनी गोद में उठाकर एक ऑटो से ही नजदीकी अस्पताल में ले जाकर भर्ती करा दिया। बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद उसे ऑफिस की याद आई। उसने अपने TI साहब को फोन लगाया। फोन उठाते ही TI साहब बोले, कहां हो रमेश? मैं तुम्हें ही फोन लगाने वाला था। नमस्कार सर, गांधी चौक के पास एक 4-पहिया वाहन चालक ने किसी बच्चे को टक्कर मार दी है। वाहन चालक तो फरार हो गया है, पर बहुत जल्द पकड़ा जाएगा क्योंकि मौकाए वारदात पर कई दुकानों के बाहर CCTV कैमरे लगे हुए हैं। सर अच्छी बात तो ये है कि बच्चा बच गया। मैं उसे अभी हॉस्पिटल लेकर पहुंचा हूं सर। क्या रमेश, तुम भी इन फालतू के चक्करों में पड़े रहते हो? अभी तक किसी ने FIR दर्ज नहीं कराई और पुलिस होकर भी तुमने अपनी ड्यूटी शुरू कर दी। TI साहब नाराज हो रहे थे। सर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? पुलिस होने के साथ साथ मैं एक मनुष्य भी हूं। यूं किसी को सड़क पर मरने के लिए नहीं छोड़ सकता, भले ही मेरी नौकरी छूट जाए, किसी तरह आवेग में आकर बोल दिया रमेश ने। ठीक है तुम जल्दी से थाने पहुंचो। तुम्हें तो पता ही है कि आज विधायक जी की रैली है, हमारा वहां भी पहुंचना जरूरी है। TI साहब बोले, जी सर आप सीधे रामलीला मैदान पहुंचिए, मैं आपको वहीं मिलता हूं। रमेश ने कहा, ठीक है जल्दी पहुंचो, मैं भी निकल रहा हूं यहां से। TI साहब बोले और उन्होंने फोन काट दिया। डॉक्टरों ने रमेश को बताया कि बच्चे को सही समय पर अस्पताल ले आने से अब खतरे की कोई बात नहीं, थोड़ी देर में अब उसे होश भी आ जाएगा। रमेश आश्वस्त होकर रामलीला मैदान पहुंचा। थोड़ी ही देर में TI साहब भी आ गए। विधायक महोदय का रैली का संबोधन चल रहा था कि उनकी श्रीमती जी का फोन आया। उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। दोबारा आया तो उन्होंने भीड़ को सॉरी बोलते हुए फोन उठा लिया। श्रीमती जी ने घबराई हुई आवाज में रोते हुए बताया कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और किसी भले पुलिस वाले ने उसे जिला अस्पताल में एडमिट करा दिया है। विधायक जी ने हाथ जोड़कर अपना भाषण बीच में यह कहकर रोक दिया कि उन्हें जरूरी काम से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना होगा। विधायक महोदय के पीछे पीछे TI साहब के साथ रमेश कुमार भी अस्पताल पहुंचे।
बच्चे को होश आ गया था। विधायक महोदय और उनकी श्रीमती जी इलाज करा रहे डॉक्टर से मिले। डॉक्टर ने रमेश कुमार की ओर इशारा करते हुए कहा, आज आपका बेटा इन्हीं की बदौलत हमारे बीच सही सलामत है, जिन्होंने सही समय पर यहाँ लाकर इलाज शुरू करवा दिया। विधायक महोदय और उनकी पत्नी कृतज्ञता पूर्वक हाथ जोड़कर रमेश के सामने खड़े थे। थोड़ी देर बाद टीआई साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे, हमारी पुलिस आप लोगों की सेवा में 2400 घंटे तत्पर है। आज हमारे एक बहादुर सिपाही रमेश कुमार जी ने जिस तत्परता से माननीय विधायक महोदय के सुपुत्र को दुर्घटना के बाद अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाई, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। हमें रमेश कुमार पर गर्व है। हम आप सबको भरोसा दिलाते हैं कि 24 घंटे के भीतर बच्चे को टक्कर मारने वाले वाहन, वाहन चालक और उसके मालिक हमारे कब्जे में होंगे, क्योंकि जिस जगह दुर्घटना घटित हुई है उस एरिया में कई दुकानों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। हमें विश्वास है कि इनकी मदद से हम अपराधियों को पकड़ लेंगे। रमेश कुमार टीआई साहब को आश्चर्य से देख रहे थे। उसके लिए संतुष्टि की बात यह थी कि बच्चा अब खतरे से बाहर था। तो दोस्तों, ये थी कहानी ड्यूटी और संतुष्टि की। उम्मीद करता हूं यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही और बहुत सारी रोचक कहानियों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक